सभी को नमस्ते एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज हमारा लास्ट डे है टांडी में और इसके आगे हम लोग फिर वापस अब आज मनाली उतर जाएंगे क्योंकि आज मौसम ख़राब हो रहा है। यहाँ पे पूरा पीछे क्लाउड आ रहा है एंड प्रिडिक्शन भी कि आज स्नोफॉल हो सकती है। तो हमारा यहाँ पे 2 नाइट तक का ही था वैसे भी एंड मौसम में हम वैसे भी इसमें फंसना नहीं चाहते क्योंकि अगर यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई तो हम लोग फंस सकते हैं। तो हमारी जर्नी, हमारा एडवेंचर टांडी तक का ही था। जो कुछ भी हम दिखा सकते थे हमने दिखाया। बाकी आज यहाँ से निकलेंगे और मनाली होते हुए एक रात रुक के हम फिर आगे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे वापस। यहाँ पे कंडीशंस और थोड़े टफ हो जाते हैं क्योंकि जितना आप हाई आल्टीट्यूड में जाते हो उतना और वो डिफ़िकल्ट होता रहता है, उतना ठंड और यहाँ पे बढ़ता रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम से कम रात को -14-15 चला जाता है। जिस दिन हम पहुँचे थे उससे एक रात पहले यहाँ का टेम्परेचर -21 गया था। तो आप सोच लो कि यहाँ पे ठंडा कितना होता है। इसलिए हमारी कार भी कल जब आपने वीडियो में देखा इतनी ठंडी में वो स्टार्ट नहीं हो पाई हमारी गाड़ी भी, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रहना भी, इतना ईजी नहीं है, बट दीज गाइज आर यूज टू इट। सो ये लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको पता है यहाँ पे इस कंडीशन में कैसा रहना चाहिए। इसलिए ये लोग भी अगर खाना वगैरह जब होता है ये पहले ही अपना स्टॉक कर लेते हैं सारा का सारा खाना यहाँ पे। पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ एंड मॉर्निंग स्ट्रगल टू गेट इट स्टार्ट। तो आप सुन ही रहे हो गाड़ी क्रैंक ले रही है, वो स्टार्ट नहीं हो रही अभी। इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट। विक्रम भाई ट्राई कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करने में, देखते हैं आज कितना टाइम लगता है स्टार्ट होने में। हो गई जी गाड़ी स्टार्ट हो गई। रात में आने का फ़ायदा हो गया एंड ब्लैंकेट ढकने का भी फ़ायदा हो गया। कल जैसे स्ट्रगल ज़्यादा करना नहीं पड़ा, गाड़ी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। वरना कल तो बहुत दिक्कत हो गई थी हमें गाड़ी स्टार्ट करने में और हम आगे जा भी नहीं पाए इसी चक्कर में जो हमने प्लान किया था। सो अब हम फटाफट अपने सामान सारे लोड करेंगे और यहाँ से कीलोंग होते हुए फिर हम वापस मनाली की ओर जाएंगे। जो अभी कट आ रहा है ये सबसे डेंजरस कट है यहाँ का, काफी स्टीप है।
तो यहाँ से लेके केलों तक का पूरा एक्सीडेंट हो गया। बिना एक्सीटर दे रही था नीचे उतार, जब आपको लगे तब हल्का सा पुश दिया। किलोंग से चलाते हुए गाड़ी जा रहे हैं, एक मार्केट एक रोड नीचे भी जा रही है लिंक रोड, जो मार्केट होती है यहाँ पे किलोंग की उसको कनेक्ट करता है। बाकी अभी तो हम फिलहाल ऊपर हैं रोड पे, हाईवे रोड पे। देखिए सामने लेडी ऑफ किलोंग, जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे आए हैं ये विंटर्स का पीक सीजन होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सारे होटल सारे चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो सारे टूरिस्ट इसलिए ऊपर अभी किसी को भी अलाउ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वेदर जो बहुत हार्श हो जाता है, बहुत कंडीशन बहुत बुरा हो जाता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप एक्टिविटी कर पाए कुछ कर पाए, इसलिए कभी अब ये सीज़न खुलेगा सीधे मार्च अप्रैल में खुलेगा यहाँ पे सारा जो भी सीज़न है होटल्स वगैरह एक्टिविटीज़। धीरे धीरे जैसे कि आगे टाइम बढ़ता रहेगा ये आइस अपने आप मेल्ट होती रहेगी। सो हम अभी किलोंग के पेट्रोल पंप में हैं, एंड जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ डीज़ल इस टेम्परेचर में फ्रीज हो जाता है, तो ये कैन में करके डीज़ल डाला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि जो अंडरग्राउंड टैंक हैं वो सारे फ्रीज हो चुके हैं, तो ये अभी यहाँ पे 20-20 लीटर के टैंक जार्स हैं इसमें ऐसे करके डीज़ल डाल रहे हैं। इसके आगे भी पेट्रोल पंप है पर वो बहुत दूर है और हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। ये अभी तक का जिस जर्नी में हम आए हैं केलोंग में ऑपरेशनल पेट्रोल पंप है, टांडी में भी था एक पेट्रोल पंप बट वो बंद है, तो हमें आगे कोई दिक्कत ना आए इसलिए हम यहाँ से अपना रिफ्यूल करा रहे हैं। वी आर वेरी लकी कि हमें अलाउ कर दिया यहाँ तक आने के लिए, और ये सीज़न का पीक टाइम है जब यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता है, सब चीज़ बंद होता है यहाँ पे। हमें परमिशन मिली और हम लोग आ गए यहाँ पे, वी आर वेरी लकी, और ये जो लग्जरी हम ले रहे हैं ये सबको नहीं मिलता है और ये कोई लोग भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं यहाँ पे इस टाइम पे। किलोंग से नीचे उतरते हुए टांडी जीरो पॉइंट पे आ गए, एंड यहाँ पे अभी गाड़ी नहीं जा सकती आगे क्योंकि अभी रास्ता वन वे है, तो ये हमें 1:30 बजे छोड़ेंगे, फिर जैसे ही वहाँ से आगे से कोई गाड़ी ऊपर आ जाएगी तब हम लोग नीचे जा पाएंगे। तो जब ये डेली का ही रूटीन ऐसे है जब तक यहाँ पे स्नो है इतना। तो जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं अपने बारी का वेट कर रहे हैं ये टांडी ज़ीरो पॉइंट है, एंड टांडी ज़ीरो पॉइंट के जस्ट साथ से ही यहाँ से चंद्रा रिवर बह रही है,
और यही नदी आगे होते हुए जाती है, इसका संगम होता है दूसरे नदी के साथ। और ये व्यू देखिए। तो अब हमें 1.5 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का, जैसे ही रास्ता खुलता है फिर हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि हमें इतना टाइम लग ही रहा था, 1.5 घंटा वेट करना है इस जगह में, तो लंच भी करना है, तो हमने सोचा यहीं पे खाना बना लेते हैं। तो अभी पूरा सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, मैगी बनाएंगे, फिर टाइम यूटिलाइज करेंगे। एटलीस्ट खड़े रहने से बेटर है कि लंच कर ले बना के, जब सारी चीज़ें लाए हैं तो क्यों ना बना ही लें। और मैगी एक्सपर्ट, मैगी एक्सपर्ट से भाई क्या हुआ, रैपर नहीं खोला जा रहा? वो ठंड है बहन, से कुछ भी नहीं खोला जा रहा। खुल तो गया भाई, चलो यहाँ पे जब तक ये बना रहे हैं, हम यहाँ पे आपको एक बार चंद्रा रिवर दिखा। दिखा देते हैं। और ये देखा कैसे प्रतीक धसते हुए गिरते हुए बैलेंस बनाते हुए संभालते हुए अपने आप को, और ऊपर देखिए कैसे क्लाउड आ रहे हैं वहाँ से। तो मौसम यहाँ पे भी आज बोला जा रहा है कि स्नो होगा, 80% चांसेस है। सो आया 3 बजे के बाद आई गेस यहाँ पे बर्फ़ पड़ सकती है, है ना? 3 बजे के बाद ही बोला है ना, प्रिडिक्शन है, बट होगी नहीं है सच, देखते हैं, बट नहीं उनके ज़्यादा बेटर है, हो जाए तो आराम आराम से और अनुकूल हो जाएंगे थोड़ा। कोशिश तो ये है कि फटाफट अब जल्दी से जल्दी नीचे उतर जाएं, बिकॉज हम तो बर्फ में फंसना नहीं चाहते बिल्कुल भी। बाकी विक्रम भाई पीछे बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सो हमारी मैगी हो गई है रेडी, डाला जा रहा है ऑरिगैनो एंड पेरी पेरी। थैंक्स टू राहुल, हमारे रिपब्लिक के शेफ, रसोईया, रिपब्लिक टीवी का रसोईया है ये। ध्यान बहुत देना पड़ता है, केयरफुली आप लोग को यहाँ पर चलाना पड़ता है गाड़ी। थैंक यू। और ये जो बीआरओ वाले हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं, यहाँ पे लोग यही सारा रोड यहाँ पे क्लियर भी कराते हैं, एंड अगर आप फंस जाओ तो आपको हेल्प भी करते हैं, अगर आप लोग फंस जाओगे ऐसी रोड में ऐसी कंडीशन में तो अच्छी बात है। इन बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको इन शॉर्ट ब्रो भी बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, और नॉट जस्ट ब्रो, हिमाचली लोग ही बहुत ही बढ़िया लोग हैं। सो कभी भी आप यहाँ पे आओ तो उनके साथ अच्छे से रहो, उनको भी रेस्पेक्ट करो, वो भी आपको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करेंगे, एंड एंजॉय करो बस जब भी आप कभी भी आओ। स्नोफॉल हो रही है और अभी हम सिसु पहुंचे हैं, सिसु क्रॉस करके बस थोड़ा सा कुछ हड्डी कुछ आगे होंगे, और यहाँ पे थोड़ा गाड़ी रोड का काम चल रहा है तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। और आप देखो क्या ताज़ी बर्फ़ गिर रही है, मज़े आ गए, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आगे देखिए आप, पूरी वैली बर्फ़ गिर रही है, जबरदस्त मौसम, इसी के लिए आए थे हम। राहुल यहाँ से ब्लॉग कर रहा है, क्या कर रहा है?
अपुन बना रहे ला वीडियो से उतर तो एक पहला चेक पोस्ट और जनरल इंफॉर्मेशन लेते हुए नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ताकि आगे इंफॉर्मेशन दे दे आगे चेक पोस्ट, क्योंकि गाड़ी ऊपर से आ रही है। तो हम लोग वापस मनाली आ चुके हैं अपने बेस वन में, एंड अब यहाँ पे भी हम अभी दो दिन और हैं, तो अभी फिलहाल तो हम सब फ्रेश हो चुके हैं और बस अपनी डिनर करेंगे और डिनर करके बस रेस्ट करेंगे। जो भी चीज़ें वो हम कल करने वाले हैं। बाकी आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।